उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और कांवड़ मार्ग में दुकानदारों का सत्यापन करने के साथ ही दुकानों के बाहर नाम लिखने का भी आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद हरिद्वार में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर छानबीन शुरू कर दी। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र डोभाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों और सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों के नाम नेम प्लेट पर लगवाने की कोशिश जारी है। होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम है उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया, तो वहीं 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए। झारखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के सुपरमैन वाले बयान पर अब सियासत गर्म है। विपक्ष ने भागवत के बयान को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ऐसा हमला बोला है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं संघ भी भारतीय जनता पार्टी से और श्री नरेंद्र मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहता है। दरअसल झारखंड के गुमला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है, इंसान पहले सुपरमैन फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, और विपक्ष भागवत के इस बयान को बीजेपी और पीएम मोदी से जोड़कर देख रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के IED ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जिनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी रायपुर के शहीद भरतलाल साहू के पिता को सुरक्षा बल की ओर से तिरंगा सौंपा गया। इस दौरान पूरा मोहल्ला बदल गया, पिता भावुक हो गए तो लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठाई। तो वहीं शहीद जवान सतेज सिंह का पार्थिव शरीर नारायणपुर के उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर के शहीद को नमन किया। शहीद सतेज सिंह को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। कल बीजापुर में तुरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत IED ब्लास्ट में शहादत को प्राप्त हुई, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और सुरक्षा बल नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर रहे हैं, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने शहादत पर ही सवाल खड़े कर दिए। और प्रदेश के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को नकली बताया। सरकार की जो रवैया है उसमें जरूर उंगली उड़ती है कि नक्सली बताकर जो आदिवासियों की गिरफ्तारियां हो रही है, फर्जी मुठभेड़ भी हो रहे हैं, इसकी शिकायतें लगातार आ रही है, जबकि हमारे शासन में एक बार भी इस तरह से प्रकरण सामने नहीं आया। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने बघेल को करारा जवाब दिया। पहले भी एक बार नकली मुठभेड़ की बात किए थे, लेकिन दूसरे ही दिन नक्सलियों के द्वारा लिस्ट जारी किया गया, तो इस तरह से इतने बड़े लोगों को इस तरह की सिर पैर की बात नहीं करनी चाहिए, इससे निश्चित रूप से सैनिकों का मनोबल गिरता है। हाल ही में सुरक्षा बल ने कांकेर में बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 29 नक्सली ढेर हुए थे। ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा दिलीप खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद अब संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने पूजा के खिलाफ सख्त कदम उठाया और UPSC ने अपनी जांच के बाद ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। साथ ही संस्थान ने उन्हें नोटिस जारी कर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। UPSC ने पूछा है कि क्यों ना उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए, इसके अलावा आगे होने वाली परीक्षाओं से भी पूजा खेड़कर को वंचित किया जा सकता है। दरअसल UPSC की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूजा खेड़कर ने UPSC की परीक्षा देने के लिए कई फर्जीवाड़े किए, जिसके मुताबिक खेड़कर ने UPSC एग्जाम के लिए अपना नाम तक बदला था। उन्होंने अपने प्रयास से ज्यादा बार ये परीक्षा दी और इसके लिए उन्होंने अपना नाम, अपने पिता का और माँ का नाम तक बदला। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल ID और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। वहीं पूजा खेड़कर ने पुणे के जिला कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि पुणे कलेक्टर ने ऐसी किसी कंप्लेंट से इनकार किया। UPSC की जांच में पूजा खेड़कर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि IAS बनने के लिए पूजा खेड़कर ने अलग अलग तरह से प्रपंच रचे। क्या है वो प्रपंच, आइए हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट के लिए फर्जी नाम और पहचान बताई गई। पिता का फर्जी नाम बताया गया, माँ का नाम भी गलत दिया गया। पूजा ने अपनी उम्र तक गलत बताई, घर का जो पता होता वो तक गलत बताया। मोबाइल नंबर भी पूजा ने गलत दिया, ईमेल आईडी भी अपनी गलत लिखवाई, यहाँ तक कि फोटो और हस्ताक्षर तक भी बदल दिए। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी के बाद पूरी दुनिया में आज हड़कंप मच गया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित तमाम देशों की बैंकिंग और एयरलाइन सेवाएं ठप हो गई और विमान एयरपोर्ट पर ही खड़े रह गए। बताया गया है कि ये परेशानी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से आई, जिसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और बैंकों में दिखाई दिया। पूरी दुनिया की कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री काफी परेशान नजर आए। असर इतना ज्यादा है कि खासतौर पर मैं बात करूं मुंबई के T2 ऑपरेशंस की, अंदर की तरफ वहां पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी चेक इन जो फैसिलिटी है उसमें लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। दिल्ली में भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटेज का असर दिखा, यहां कई विमान सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। चेन्नई में भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी की वजह से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए। वहीं पटना में भी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए और चेक इन के लिए कई घंटों तक इंतजार करते दिखे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और गुरुवार को पटना से एमबीबीएस कर रहे 4 छात्र को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रांची रिम्स से भी एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के मेडिकल के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 में से 3 छात्र धन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जबकि एक छात्र सेकेंड ईयर का है जिसका नाम कुमार शानू बताया जा रहा है। सीबीआई ने 4 मेडिकल के छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप सील कर लिए हैं, जिसके बाद इन्हें पटना कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी छात्रों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। वहीं नीट पेपर लीक केस के तार रांची के आरआईएमएस से भी जुड़ गए हैं। पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम रांची के आरआईएमएस पहुंची। आरआईएमएस गर्ल्स हॉस्टल से एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्रा सुरभि एमबीबीएस 2023 बैच की स्टूडेंट है। सीबीआई ने करीब 8 घंटे पूछताछ के बाद छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को शक है कि उसकी पेपर लीक को पत्र सॉल्व कराने में अहम भूमिका हो सकती है। वहीं पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले पर ये बड़ी खबर, आरोपी सुरभि को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। सीबीआई ने रांची रिम्स से गिरफ्तार किया था सुरभि को। आरोपी सुरभि सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी। सुरभि ने नीट का पेपर सॉल्व किया था। रांची रिम्स की मेडिकल छात्रा है सुरभि, अब इसको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी ये सुरभि। नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर समय की बता रहे हैं। आरोपी सुरभि को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को हुए रेल हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ड्राइवर ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि यूपी पुलिस ने लोको पायलट के इस दावे को खारिज कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारियों की पूछताछ के दौरान ट्रेन के लोको पायलट ने खुलासा किया कि उसने हादसे से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी और धमाके की आवाज सुनने के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। ट्रेन रफ्तार में थी, इसीलिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं हालांकि हादसे की जांच कर रही पुलिस टीम ने लोको पायलट के इस दावे को खारिज कर दिया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ट्रेन के पहियों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ मिला है। ट्रेन हादसे में साजिश का एंगल सामने आने के बाद यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। वहीं हादसे के पीछे रेलवे पटरियों में सीलन और ड्राइवरों की लापरवाही की बात भी कही जा रही है। प्रारंभिक जांच में रेलवे लाइन की पटरियों में सीलन और ड्राइवर की लापरवाही से हादसा निकल कर सामने आया है। ये दोनों ड्राइवर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के ड्राइवर हैं। गोंडा रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद से कई ट्रेनों को डायवर्ट कर रेल ट्रैक ठीक करने का काम जारी है।